हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा था पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड आर गिवन बाय वाई इज इक्वल टू 12t - 5t स्क्वायर मीटर एंड एक्स इज इक्वल टू 5t मीटर। द इनिशियल स्पीड ऑफ अ थ्रो इज हेयर टी इज इन अ सेकेंड। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस, हमें पता है कि जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है उसके दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक वाई डायरेक्शन में होता है और एक एक्स डायरेक्शन में होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर एक्स डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे गाइस मैंने पहले एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड आउट की है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो एक्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में उसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट करा है, मैंने यहाँ लिख दिया वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एक्स की जगह लिख दिया 5t अपॉन में dt, और इसका डिफरेंशिएशन करके आ रहा है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम y डायरेक्शन में वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में dt, y की जगह पुट कर देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन में दे रखा है 12t - 5t स्क्वायर अपॉन में dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करके आएगा हमारा 12 - 10t। वो गाइस आप जानते हैं कि जब हम 12t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो t की पावर 1 है ये पहले 12 से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 12 × t⁻⁰। और हम जानते हैं अगर किसी की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू होती 1, तो यहाँ 12 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारा 12। और जब हम 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो t की पावर 2 है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो ये t की पावर 2 है इसमें से 1 माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10t⁻⁰। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ रहा है 10t। अब गाइस हम क्या करेंगे, हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए वाई डायरेक्शन में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं t की जगह 0 पुट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया वी वाई इक्वल टू 12 - 10t, और t की जगह पुट कर दिया 0, तो 10 × 0 कितना होता है 0। तो यहाँ से जो वी वाई आ रहा है वो आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम प्रोजेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि जिस स्पीड से पार्टिकल या बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, और थ्रो किया गया, वो वाली वेलोसिटी अब हम फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे वी इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स की जगह पुट कर देंगे 5 और उसका स्क्वायर कर देंगे, और वी वाई की जगह पुट कर देंगे 12 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर होगा 144, इन दोनों का सम करके आएगा 169, और जब हम 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से आएगा 13। तो जो थ्रो की वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 13 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज़।